ये हलाल रेस्टोरेंट है ला स्टेशियना के नाम से न्यूयॉर्क के अंदर। हमारे न्यू जर्सी से ये तकरीबन 2 घंटे के फासले पर है बाय रोड। आज इफ्तारी के लिए आए थे हम पूरी फैमिली यहाँ पे। बहुत ही अच्छा बेहतरीन है न्यूयॉर्क में ये। और देखें ये जो यहाँ पर ये हमने बुक कराए हुए ये ट्यूब वाले रूम, इसमें बाकायदा गैस वगैरह का भी इंतज़ाम है, इन मकसद के हरारत रहे ताकि ठंडी ना लगे यहाँ पे। और अंदर भी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ नमाज़ पढ़ने की भी जगह है, ख़वातीन के लिए अलग जगह है यहाँ पे। और बहुत अच्छा खाना है इनका और बहुत सारी डिशेज़ है। ये $28 पर हेड लेते हैं एक का। $28 में काफ़ी डिशेज़ ये लोग देते हैं। और न्यूयॉर्क के अंदर ये है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, लोग काफ़ी तादाद में आते हैं। अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये ला स्टेशनिया के नाम से, ला स्टेशन के नाम से। ये स्टेशन ये ना स्टेशन है यहाँ पे, इनके पीछे ये यहाँ पे ट्रेन का स्टेशन भी है, तो उस हिसाब से इन्होंने शायद ये नाम रखा होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये ट्यूब वाले जो का रूम बने हैं छोटे छोटे, इसमें कुर्सी का भी है और उसमें भी कालीन पे बैठने का भी अरेंजमेंट है तख्त पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बच्चों के खेल कूद की भी जगह है, पार्किंग का भी बहुत बड़ा लॉट है। और इस वक्त 8 बजे है, इफ्तारी का भी हुई है, पूरी मगरिब नमाज भी अगर पड़ी है, तो चाय वगैरह और जो पीना हुए हैं जो है, बाकी बेशुमार आइटमें यहाँ पर है माशाल्लाह। दो ट्यूब बुक कराए हुए हैं जो है वो भाई जरा आपने रेस्टोरेंट के बारे में बताएं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, खाना बड़ा जबरदस्त है, नाम बताएं, एड्रेस बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, लास्ट स्टेशन रेस्टोरेंट है हमारा और जो है वो एग्जिट 53 पे है। ज़बिया हलाल फूड होता है यहाँ पे, देसी सारा फूड है, स्पेनिश फूड है, सो इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इसके अलावा स्पेनिश कम्युनिटी आती है। अभी जो है वो रमज़ान के लिए हमने बहुत अच्छा जो है वो बफे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सैरी $24 चार्ज करते हैं, $24 में 20 डिशेज़ हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। कल भी बहुत ज़्यादा रश था और जो है वो इफ्तार में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और $27 का बुफे है और सिटिंग कैपेसिटी हमारे पास 400 लोगों की है। लोग यहाँ पे अपनी बर्थडे पार्टीज़ जो है वो अरेंज करते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, बेबी शावर होता है, वलीमा यहाँ पे हुआ है। सो 400 लोगों की कैपेसिटी है, बहुत बड़ी जगह है, बच्चों के खेलने का प्ले एरिया है और जो है वो नमाज के लिए मस्जिद है। सो मतलब एक पूरा जो पैकेज होता है वो अवेलेबल है, आप 3-4 घंटे के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। फूड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सो आपकी जो है वो वैल्यू फॉर मनी जो होता है वो आपको मिलता है इस जगह पे। और डेफिनेटली ओनर्स कराची से हैं तो पाकिस्तान का टेस्ट आता है फूड के अंदर, लेकिन जो है वो हमारी जो है वो बांग्लादेशी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आती है हमारे पास। इसके अलावा जो है वो इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी लोग तो आते ही आते हैं। शेफ़ हमारा खुद कराची से है, एक कराची का शेफ़ है, एक जो है वो पंजाब का शेफ़ है, स्पेनिश शेफ़ है हमारे पास 2। सो बहुत बड़ी हमारी एक वो है आउटरीच है और जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये रमज़ान जो है हमारा बहुत अच्छा गया है, तीसरा रमज़ान है माशाल्लाह, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में और अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। लोग असल में दो घंटे के सफ़र से यहाँ आए न्यू जर्सी से आपके न्यूयॉर्क में, 2 घंटे का माशाल्लाह आपकी तारीफ सुन के, और जो तारीफ सुनी थी माशाल्लाह ऐसा ही पाया, बहुत अच्छा लजीज खाना, ऐसा लगता है कि जैसे कराची में खाना था माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। तो असल का भी दावत है, तकरीबात वगैरह की भी परमिशन? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास कैपेसिटी 400 लोगों की है, आपको 150 लोग जो भी है हम उसके लिए आपकी अरेंजमेंट करते हैं और जो है वो आपको प्राइस भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत बड़ी जगह अवेलेबल है, तो आप अपने इवेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम सबसे बड़ा इवेंट हुआ है वो एक वलीमा हुआ था 300 लोगों का, हमने बिल्कुल प्यार से उसको मैनेज किया था, सुकून से मैनेज हुआ था और पैसे भी उनको बहुत कम लगे थे। आपको होटल का पूरा रेंट, आपका जो उसका हॉल का जो रेंट होता है वो पूरा बच जाता है जब आप यहाँ पे कुछ इवेंट अरेंज करवाते हैं।
सो आप यहाँ पे कोई भी इवेंट करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा और जगह भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सो होप टू सी यू ऑल अगेन हेयर और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत दूर से आए, उम्मीद है आप इंशाल्लाह फिर आएंगे। माशाल्लाह अभी देखें अपने ओनर से इंटरव्यू सुना, बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त है और कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे बैठने की, बाहर की। और सामने देखें ये हमने भी वो ट्यूब जैसे बने हुए हैं वो उसमें बुकिंग कराई थी। शहजाद भाई से भी मिला यहाँ पे, शहजाद भाई भी ओनर है, मुस्तफ़ा भी ओनर है, ये अपने कराची से बिलोंग करते हैं ये लोग जो है। और बहुत मज़ा आया यहाँ पे, पूरी फैमिली के साथ हम यहाँ आए हैं। ये तो खैर न्यूयॉर्क में है, हमें बाय रोड 2 घंटे लगे न्यू जर्सी से, क्योंकि हमारी रिहाइश तो न्यू जर्सी है मगर इसकी बहुत तारीफ सुनी थी हमने, तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा ये। और इस वजह से आपने इनके मुस्तफ़ा का और इनका इंटरव्यू भी आपने देखा सुना, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, खाना बहुत ज़बरदस्त है। तो हर तरह की तकरीबात के लिए भी और बहुत रियायत करेंगे तो यहाँ करें, यहाँ पे तो 400-400 की कैपेसिटी है यहाँ पे। आप लोग आए हैं यहाँ पे, अमेरिका में बसने वाले, चूँकि दीगर जगहों पे तो हॉल बुक कराओ उसकी अलग पेमेंटें करो, बैंक्वेट बुक कराओ उसके अलग पेमेंट करो, यहाँ आपको जो है सिर्फ फूड के ही एक्सपेंसेस आपको देने होंगे। और एरिया भी बहुत अच्छा है, मेन रोड के बीच में ही है ये सारा पूरा, माशाल्लाह। दोबारा भी आएंगे, आज 26वां रोज़ा है, तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने देखा, ये बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, देखिए कितने खूबसूरत, सर्दी ना लगे इसलिए इसमें बाकायदा उसका भी बंदोबस्त है, आग वगैरह का। बड़े अच्छे बनाए न्यूयॉर्क में, ये हलाल रेस्टोरेंट है हमारे पाकिस्तानियों का, सारे पाकिस्तानी खाने हैं यहाँ पे। बस 5-7 मिनट रह गए हैं अभी रोजा। अभी ओनर से मैंने ये मालूम किया कि भाई ये आपने नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा कि ये पहले ये ट्रेन स्टेशन था और जगह हमने अभी खाली करा के वहाँ पे बुकिंग ऑफिस था और ये पार्किंग थी जो लोग आते हैं गाड़ियाँ वगैरह, तो ये ट्रेन स्टेशन जो है ना यहाँ से उस साइड पे मूव हुआ है दूसरी तरफ, देखिए ट्रेन की पटरियाँ भी है, तो इस वजह से ये इन्होंने ट्रेन का नाम रखा हुआ है सारा। अभी देखिए हमारी फैमिली भी वहाँ से आ रही है, तो ये लास्ट स्टेशन दिल्ली एंड पिजरा है अपने कराची के, ये जो ओनर है और बाकायदा शेफ भी कराची का भी, एक पंजाब से भी है, और यहाँ कहते हैं कि इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तानी और सब भी मुस्लिम लोग और सब लोग आते हैं यहाँ पे, मगर सारे खाने हलाल हैं इनके, चाहे गैर मुस्लिम भी आते हैं मगर वो भी ये हलाल खाने खाते हैं, जैसे स्पेनिश यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं तो वो भी यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी से चल रहा है इनका ये, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से। क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है पार्किंग का, जगह का देखिए, अमेरिका के रहने वालों को तो इसको जरूर यहाँ तकरीबन करानी चाहिए, लेकिन ट्रेन भी यहाँ से जा रही है। बड़ा जबरदस्त लोकेशन है ये, न्यूयॉर्क के एरिया में है यहाँ पर।